आठवीं क्लास के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। मैं आप सबका स्वागत करता हूं सार्थक स्कूल के इस ऑफिशियल चैनल पर। और शुरू कर दिया सत्र आपने, और कितने कमेंट कर रहे हैं कि सर सिलेबस बता दो। तो पहले ये बताओ, बुक्स मिल गई? आठवीं क्लास के यदि आप स्टूडेंट हैं हरियाणा में सार्थक स्कूल के, CBSE स्कूलों में, सभी मॉडल संस्कृति स्कूलों के या हरियाणा बोर्ड के स्कूलों के, तो ये वीडियो है आपके लिए जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। आज ही रिलीज़ कर दिया गया है आपका सिलेबस, जिसमें कुछ टॉपिक डिलीट भी किए गए हैं और जो छोड़े गए हैं उन पर बात करेंगे किस तरह के आपके जो रहेगी प्लानिंग थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि आपके सेट भी होने हैं। और अगर आप CBSE स्कूलों में हैं, सार्थक स्कूल में हैं, तो आपके PT होने हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट होने हैं। वहाँ पर सेट कहते हैं हरियाणा में और यहाँ पर PT कहते हैं। तो सिलेबस हम मंथ वाइज भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, होल ईयर का सिलेबस भी देंगे, रिलेटेड टॉपिक भी देंगे, सब कुछ देंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये देख लीजिए बुक्स कि ये 9 बुक्स सभी को मिल गई हैं कि नहीं, और इनके अलावा 10वीं बुक जो है आपको नैतिक शिक्षा की, ठीक है, वो भी जो है पढ़नी होगी। तो ये हैं, आप देख पा रहे हैं, सामाजिक, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है, इंग्लिश, तो सभी तरह की किताबें आपको मिल गई हैं। ये पिक देख लें, ठीक है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिसमें भी हैं आप, ये वीडियो है सबके लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यदि हम बात करेंगे सबसे पहले इस वीडियो में मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं आपकी मैथमेटिक्स की बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8, ठीक है प्यारे बच्चों, आपको स्कूल से मिल ही गई होगी। और इसके अंदर कंटेंट में अगर हम जाते हैं तो ये 13 चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। रेशनल नंबर्स हैं पहला, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हिंदी में भी बता देते हैं, परिमेय संख्याएं। दूसरा रहेगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, और तीसरा रहेगा चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, एंड देन फोर्थ विल बी डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन, फिर वर्ग और वर्गमूल, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स, देन क्यूब एंड क्यूब रूट्स, पार्ट 6 रहेगा जो घन और घनमूल, ठीक है, फिर राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, देन लेसन 8 इज गोइंग टू बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ, देन लेसन 9 विल बी ऑन मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, और 10वां पार्ट रहेगा आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, और 11वां पार्ट रहेगा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, राइट चिल्ड्रन, एंड देन 12th फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, ठीक है, और 13th रहेगा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, ठीक है, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो अब मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको चाहिए होगा, क्योंकि समय समय पर आपके जुलाई में है जैसे पीरियोडिक टेस्ट होंगे CBSE स्कूल में, सार्थक में, या फिर आप हरियाणा के स्कूलों में हैं तो आपके सेट होंगे जुलाई में, ठीक है, जिसके अंदर अप्रैल, मई और जुलाई का सिलेबस आएगा। तो ये मंथवार हमने आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अप्रैल में आपने परिमेय संख्याएँ की सभी प्रश्नावलियाँ, ऑल एक्सरसाइजेज इन रेशनल नंबर्स, देन मई में एक चर वाले रैखिक समीकरण के सभी जो एक्सरसाइज हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले, देन इन जुलाई 3 चैप्टर्स जो हैं आपने ये लेने हैं, जून में वेकेशन हो जाएगा आपका, फिर जुलाई में आप देखेंगे चतुर्भुजों को समझना, इसकी सभी एक्सरसाइज आप करेंगे कवर, और फिर अगस्त में साथ की साथ अध्यापकों से भी हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं अधिगम उपलब्धियां बराबर में दी गई हैं यहाँ पर, इन प्रश्नावलियों को करवाते समय हमें ये देखना है कि ये कॉम्पिटेंसीज जो हैं बच्चे इम्बाइब करें अपने अंदर, इन स्किल से जो हो इक्विप्ड हों। अगस्त में आंकड़ों का प्रबंधन रहेगा आपका, और अगस्त में ही वर्ग और वर्गमूल, ये 2 चैप्टर हैं, इनकी सभी एक्सरसाइजेज, और करते हुए इन कॉम्पिटेंसीज को आपने अपने अंदर समाना है, ठीक है, प्राप्त कर लेना है आपने, इस तरह से पढ़ाना होता है हमें। एक बार इन पर नज़र मार लें सभी अध्यापक तो इजी हो जाता है हमारे लिए कि हाँ कि हम कॉम्पिटेंसीज जो है लेवल पर हम पढ़ाते हैं, उस बेस पर हम पढ़ाते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग का हर स्कूल में आजकल है, ठीक है। सितंबर में घन और घनमूल है, तो इस तरह से ये वाली कॉम्पिटेंसीज हैं इसकी। अक्टूबर में राशियों की तुलना, और सितंबर के लास्ट वीक में आपका जो है हाफ ईयरली भी होगा, चाहे आप CBSE में हैं, सार्थक में हैं, या फिर आप हरियाणा के स्कूलों में हैं, ठीक है, और अक्टूबर में राशियों की तुलना, और साथ ही बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं ये रहेगा, और नवंबर में क्षेत्रमिति और घातांक रहेंगे आपके, ओके, और दिसंबर में जो है आलेखों से परिचय रहेगा आपका, और
इसके अलावा दिसंबर में आपका गुणनखंड रहेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन, और फिर जनवरी में भी रहेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है, आधा आधा प्रश्नावलियाँ कर लेना यहाँ पर, और फिर अंत में फरवरी में आपके सीधा और प्रतिलोम समानुपात रहेगा, ठीक है, और फिर मार्च 2024 में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था शुभकामनाएं, आप देख पा रहे हैं असेसमेंट आपकी समय समय पर होती रहेगी, क्लास टेस्ट भी अलग से टीचर लेते रहेंगे, तो यहाँ पर जो होते हैं ये मार्क्स आपके वेटेज फाइनल में भी जाते हैं, 20 में से 10 नंबर तो सेट के ही होते हैं। जो इंटरनल असेसमेंट है आपकी प्यारे बच्चों, आपको बता देना चाहते हैं हम, ठीक है, विंटर ब्रेक भी होगा, तो सारी प्लानिंग है हमारे पास आपकी ब्रेक्स की भी, आपकी सबमेटिव जो असेसमेंट है उनकी भी, राइट चिल्ड्रन, और इस तरह से हाफ ईयरली की भी, और किस मंथ में क्या पढ़ना है, इसीलिए वीडियो जारी किया गया है ताकि सबको क्लैरिटी हो कि किस तरह से हमें चलना है। तो शुभकामनाएं सभी बच्चों को, ऑल द बेस्ट फॉर मैथमेटिक्स।